नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको NIOS DLED ब्रिज कोर्स PDPET प्रोग्राम के लिए अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा। ये PDPET प्रोग्राम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का मेरा 38वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 37 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, जिसमें कि कोर्स कोड 521, 522, 523, 524 के लिए बहुविकल्पी जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिन्हें कि आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कोर्स कोड 524, जिसका शीर्षक है विद्यालय विषयों का शिक्षण शास्त्र के लिए 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताऊँगा। ये जो प्रश्न है, ये अन्य एग्जाम जैसे कि TET एग्जाम्स, टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम, चाइल्ड पीडागॉजी आदि एग्जाम्स के लिए भी बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, प्रश्न एक है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पे मिलान करना है, ए पे प्याजे, ए पे लिखा है प्याजे, फर्स्ट पे प्याजे के सामने फर्स्ट पे लिखा है बच्चे वैयक्तिक रूप से अपने ज्ञान की रचना करते हैं। बी पे ब्रूनर, सेकेंड पे लिखा है ज्ञान रचना के लिए सामाजिक अंतःक्रिया को महत्व देते हैं। सी पे ब्राउन, थर्ड में लिखा है बच्चे अपनी गति से सीखते हैं। तो यहाँ पे सही मिलान करना है। तो इसका जो उत्तर है ए, ए मतलब ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड। तो ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। ए का जो प्याजे है, ए पे लिखा है प्याजे, इसके सामने आएगा बच्चे वैयक्तिक रूप से अपने ज्ञान की रचना करते हैं। तो प्याजे ने कहा है कि बच्चे वैयक्तिक रूप से अपने ज्ञान की रचना करते हैं। ब्रूनर ने कहा है कि ब्रूनर के सामने जो सेकेंड ऑप्शन है ये सही है, ज्ञान रचना के लिए सामाजिक अंतःक्रिया को महत्व देते हैं। सी पे है ब्राउन, ब्राउन ने कहा है थर्ड पे अब बच्चे अपनी गति से सीखते हैं। तो ये तीनों विकल्प सही लिखे हुए हैं। सेकंड देखिए, वह क्षमता जिसमें सही व्याकरण एवं शब्दावली का उपयोग करते हुए वाक्य का सही उच्चारण हो या सही लिखा जाए, डैश कहते हैं। वह क्षमता जिसमें सही व्याकरण एवं शब्दावली का उपयोग करते हुए वाक्य का सही उच्चारण हो या सही लिखा जाए, उसे डैश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ए पे शुद्धता, बी पे आकलन, सी पे प्रभावित, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, शुद्धता। तो यहाँ देख सकते हैं, वह क्षमता जिसमें सही व्याकरण एवं शब्दावली का उपयोग करते हुए वाक्य का सही उच्चारण हो या सही लिखा जाए, उसे शुद्धता कहते हैं। थर्ड पर देखिए, एक शैक्षिक क्रिया किस प्रकार होनी चाहिए, एक शैक्षिक क्रिया को किस प्रकार होना चाहिए। ए पर्यावरण अधिगम के कम से कम एक अधिगम उद्देश्य से स्पष्टता जुड़ी हुई, बच्चों के सुखद, बच्चों के अनुभव पर केंद्रित, डी उपयोग सभी। एक शैक्षिक क्रिया किस प्रकार की होनी चाहिए, इसका सही उत्तर है डी उपयोग सभी। जो ए बी सी तीनों ऑप्शन है ये सही है। एक शैक्षिक क्रिया किस प्रकार होनी चाहिए, इसका उत्तर है ए पर्यावरण अधिगम के कम से कम एक अधिगम उद्देश्य से स्पष्टता जुड़ी हुई, बी बच्चों के सुखद, सी बच्चों के अनुभवों पर केंद्रित। प्रश्न चार है, योजना से जुड़ी फसलों के शिक्षण अधिगम हेतु आप किस स्थानीय विशेषज्ञ को बुलाना चाहेंगे। योजना से जुड़ी फसलों के शिक्षण अधिगम हेतु आप किस स्थानीय विशेषज्ञ को बुलाना चाहेंगे। ए वनस्पति शास्त्री, बी किसान, सी सब्जी बेचने वाला, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी किसान। योजना से जुड़ी फसलों के शिक्षण अधिगम हेतु हम किसको बुलाना चाहेंगे, किसान को बुलाना चाहेंगे। जो किसान होता है ये स्थानीय फसलों का विशेषज्ञ होता है। तो अगर योजना से जुड़ी फसलों के शिक्षण अधिगम हेतु किसी विशेषज्ञ को बुलाना है तो वो किसान को बुलाया जाएगा। प्रश्न पाँच है, निम्नलिखित में से गणितीय शिक्षा का उद्देश्य है, निम्नलिखित में से गणितीय शिक्षा का उद्देश्य है, गणितीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ए सोचने एवं तर्क करने की क्षमता का विकास करना, बी दैनिक जीवन की गणितीय समस्याओं का समाधान करना, सी पर्यावरण एवं संस्कृति के साथ परिचित होना, डी उपयोग सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपयोग सभी। गणितीय शिक्षा का उद्देश्य सोचने एवं तर्क करने की क्षमता का विकास करना, बी दैनिक जीवन की गणितीय समस्याओं का समाधान करना, सी पर्यावरण एवं संस्कृति के साथ परिचित होना। ये सभी विकल्प सही हैं।
प्रश्न 6 है, विद्यार्थियों के अधिगम को सुविधाजनक बनाने के लिए आपको निम्नलिखित स्थिति में से किस में शिक्षण सामग्री की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों के अधिगम को सुविधाजनक बनाने के लिए आपको निम्नलिखित स्थिति में से किस में शिक्षण सामग्री की आवश्यकता नहीं है। ए, स्थान और समय पर शिक्षण समस्याएं। बी, कहानी लिखने पर समूह कार्य। सी, ध्यान एवं योग अधिगम। डी, मौसम परिवर्तन का अध्ययन। इसका सही उत्तर है सी, ध्यान एवं योग अधिगम। विद्यार्थियों के अधिगम को सुविधाजनक बनाने के लिए हमें ध्यान एवं योग अधिगम में शिक्षण सामग्री की आवश्यकता नहीं है। तो जो ध्यान एवं योग अधिगम होता है उसमें किसी भी शिक्षण सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो ध्यान एवं योग अधिगम है उसके लिए शिक्षण सामग्री की आवश्यकता नहीं है, वो बिना शिक्षण सामग्री के ही वो सिखाया जाता है। प्रश्न 7 है, कक्षा कक्ष में अधिगम क्रियाकलाप में बच्चों की सहभागिता का आकलन करने के लिए आप कौन से पहलुओं को करेंगे। कक्षा कक्ष में अधिगम क्रियाकलाप में बच्चों की सहभागिता का आकलन करने के लिए आप कौन से पहलुओं को करेंगे। ए, आपस में बांटना। बी, सक्रियता में शामिल होना। सी, प्रश्नों को पूछना एवं उत्तर देना। डी, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। कक्षा कक्ष में अधिगम क्रियाकलाप में बच्चों की सहभागिता का आकलन करने के लिए हम किन किन पहलुओं को करेंगे। आपस में बांटना, सक्रियता में शामिल होना, प्रश्नों को पूछना, उत्तर देना, ये सभी विकल्प सही हैं। प्रश्न 8 है, विधि सामान्य गुणों के सेट का पैटर्न है जो व्यवहार के सेट में प्रकट होता है, किसने कहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कथन किसने कहा ये बताने, जो कैंडिडेट ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनेंगे वही आंसर दे पाएंगे। विधि सामान्य गुणों के सेट का पैटर्न है जो व्यवहार के सेट में प्रकट होता है, कि ये किसने कहा है। ए, बीएफ स्किनर। बी, हैंडरसन। सी, ब्राउडी। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, हैंडरसन। विधि सामान्य गुणों के सेट का पैटर्न है जो व्यवहार के सेट में प्रकट होता है, यह हैंडरसन ने कहा है। प्रश्न 9 है, शिक्षण अधिगम के कौशलात्मक क्षेत्र का संबंध किससे है। शिक्षण अधिगम के कौशलात्मक क्षेत्र का संबंध किससे है। ए, मस्तिष्क। बी, हृदय। सी, हाँ। डी, इनमें से कोई नहीं। मैं प्रश्न दोबारा से बता देता हूँ ताकि अच्छी तरह ध्यान रहे। प्रश्न 7 है, शिक्षण अधिगम के कौशलात्मक क्षेत्र का संबंध किससे है। मस्तिष्क, हृदय, हाथ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, हाथ। तो ये जो प्रश्न था, शिक्षण अधिगम के कौशलात्मक क्षेत्र का अब संबंध, इसका सही उत्तर है सी, हाथ से। शिक्षण अधिगम के कौशलात्मक क्षेत्र का संबंध हाथ से होता है। प्रश्न 10 है, पृथ्वी की बाह्य सतह का निर्धारण मानकों के अनुसार समतल सतह पर खींचा गया चित्र कहलाता है। पृथ्वी की बाह्य सतह का निर्धारित मानकों के अनुसार समतल सतह पर खींचा गया चित्र कहलाता है। ए, ग्लोब। बी, मानचित्र। सी, चित्र। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, मानचित्र। पृथ्वी की बाह्य सतह का निर्धारित मानकों के अनुसार समतल सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। पृथ्वी की बाह्य सतह का निर्धारित मानकों के अनुसार समतल सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। इस वीडियो में मैंने आपको PDPD प्रोग्राम के लिए 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताए। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बहुविकल्पी, लघु उत्तरे, दीर्घ उत्तरे, इसके लिए ये मेरा 38वां वीडियो। इससे पहले मैंने 37 वीडियो अपलोड कर दिए जिन्हें कि आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और मैंने PDPD प्रोग्राम के लिए इस लेसन प्लान, पोर्टफोलियो, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी और असाइनमेंट अपलोड कर दिए जिन्हें कि आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।